नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज चैनल पे। और ये वीडियो जो है ये एक्चुअली कुछ तो यूट्यूब में क्रीपी चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है यूट्यूब में, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज है 12 तारीख संडे, लॉकडाउन वाला डे। मैं इसलिए डिटेल्स बता रहा हूँ कि याद रहे। और कल यानी कि सैटरडे रात को लगभग 10:30 से 11:15 बजे के आसपास, 11:15 से 11:15 बजे के आसपास तक मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, एग्जैक्ट आधे घंटे की, 30 मिनट, 1-2 मिनट, 1-2 सेकेंड ऊपर नीचे हो गया होगा। वो जो लाइव स्ट्रीमिंग है, अभी तक लगभग 11 बज रहे हैं, अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ है। एंड दूसरे चैनल्स में जाके देख रहा हूँ तो वो 30 मिनट का दिखा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एड्स नहीं आए हैं अभी, अभी वो प्रोसेस ही चल रहा है। जब तक प्रोसेस चलेगा तब तक एड्स नहीं चलेंगे। और काफ़ी सारे व्यूज़ आ चुके हैं उस पर। ये तो हो गई मेरी बात। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स लगभग 40 से 50 के आसपास सब्सक्राइबर्स का काउंटिंग मिसिंग दिखा रहा है। ये मेरी बात हो गई। और आप लोग अगर ध्यान दिए हो, कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी शिकायत है कि दो दो तीन तीन लाख सब्सक्राइबर्स मिसिंग हैं। मींस रात को 9 लाख, सुबह उठे तो 7 लाख, ऐसे सब्सक्राइबर्स की मिसिंग है। और एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो रोस्ट वीडियो बनाता है, उसके साथ तो मतलब अजीब ही हो गया, मींस डिजास्टर हो गई उसके साथ। उसका खुद का वीडियो, खुद का म्यूजिक, एवरीथिंग उसका, वो कभी कॉपीराइटेड वीडियो नहीं बनाया। कुछ दिनों पहले उसका एक रोस्ट वीडियो था टिकटॉक के लिए, वो हटा दिया गया 70 मिलियन व्यूज के बाद। उसने जस्ट अभी इन्फॉर्म किया है कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पे कि उसके खुद के वीडियो के लिए उसको कॉपीराइट आ गया है। मींस वीडियो उसका, फिल्मिंग उसकी, लिरिक्स उसके, म्यूजिक उसकी, एवरीथिंग। रिसेंट उसने गाना निकाला था, उस गाने पे उसको कॉपीराइट आ गया। अब जो अर्निंग है वो उसके पास नहीं आ रही है, वो अर्निंग है जो कॉपीराइट जिसने दिया उसके पास जा रही है। मींस क्या चल रहा है? मतलब ठीक है, यूट्यूब को एक अंधा कानून बोला जाता है, लेकिन इतना अंधा इतना अंधा कैसे हो सकता है कि जो आपके रूल्स हैं आप उसी में नहीं फिट बैठ रहे हो, उसी के अगेंस्ट जाके कुछ भी कर रहे हो। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि यूट्यूब को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। एक बहुत बड़े लाइफस्टाइल ब्लॉगर का कुछ दिन पहले, करीब 1.5-2 महीने तक उसका प्रोफाइल पिक गायब था। वो जबकि टॉप कंट्रीब्यूटर्स में है, इंडिया के टॉप 5 में। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये ग्लिचेज आ रहे हैं तो हम लोग क्या, हम लोग तो छोटे प्यादे भी नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई YouTube टीम से ये वीडियो देख रहा है, ज़रूर ध्यान दीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं वो डेफिनेटली आपको भी पता चली गई होंगी, छोटी मोटी नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की हैं जो टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत चर्चाएं होती हैं। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं क्रिएटर्स, सो यू हैव टू लुक इन टू दैट। और हो सके तो जितना जल्दी से जल्दी हो ये दिक्कतें सॉल्व करिए। बिकॉज अगर कुछ ऐसा हुआ कि भाई तकलीफ में आया कोई, या फिर उसको उसकी मेहनत का नहीं मिला, तो फिर एक नेगेटिव वेव आ जाएगी। नेगेटिव वेव आने में फिर टिकटॉक का क्या हो गया, तो फिर यूट्यूब कहाँ है? सो आई होप सब समझ रहे होंगे। थैंक
थैंक्स अ लॉट।